लगभग 150 मौत हो चुकी है। सरकार संवेदनहीन है। जिस 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की उस पर भी ये राइडर लगा हुआ है कि बिस्रा की जांच आने के बाद पैसा मिलेगा। जिस तरह की स्थिति वहाँ हुई, आप स्वयं इनके क्षेत्र में सारी मृत हुई थी कि गाड़ी में डालकर ट्रॉली में डालकर डेड बॉडी ली जा रही थी। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर कोई मंत्री वहाँ नहीं पहुँचा। इतनी संवेदनहीन सरकार है, इतनी मृत्यु पर, और वो दलित के गांव थे। दलित विरोधी सरकार का इन्होंने अपना चित्रण दिया, फेस दिया इन्होंने। तो हमारी, हम घोर निंदा करते हैं सरकार की, उससे इस्तीफे की मांग करते हैं। पैसे की राशि तत्काल हर घर में दी जाए। उनका शाम का चूल्हा नहीं जल रहा है। मामूली मजदूर थे, मजदूरी करते थे। किसी का बेटा गया, कहीं पिता पुत्र दोनों एक साथ गए, घर उजड़ गए हैं। तबाही है, दर्दनाक है, दुखद है, सारी हृदय विदारक है सारी मृत्यु। और स्वयं ये हर घर में गई वहाँ, जहाँ महिलाएं गले लग लग के रो रही थी, पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। टालने वाली सारी बात रखी। हमने सोचा शायद पीठ की ओर से कोई निर्देश पैसे का होगा, पैसे का निर्देश नहीं हुआ। हमें तकलीफ है कि एक और ये समाज सुधार की बात कर रहे हैं, शराबबंदी हो जाए, अब हम कानून लाएंगे। सबकी जानकारी में वो भट्टियाँ थी, सबकी जानकारी में अवैध शराब है। पूरे उत्तराखंड राज्य में सीमांत क्षेत्रों में अवैध शराब मिल रही है, उसके बारे में किसी प्रकार की संवेदनशीलता सरकार ने नहीं दिखाई। तो हम लोग उसका बायकॉट किया है। और जब जब ये इस समय आज के दिन सदन लाएंगे, तब यही मांग करेंगे, पैसा तो भिजवा दीजिए। रात के रोटी नहीं चल रही है उनकी, उनके यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। उतनी व्यवस्था तो ये सरकार करवा दे, इनके पास सरकारी मशीनरी, उससे जांच कराएं। किसी भी उच्च पदस्थ आदमी के ना खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, ना सरकार ने किसी प्रकार इस्तीफे की पेशकश की है। तो ये सरकार इस्तीफा भी नहीं देगी, उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं करेगी, उन्हें मुआवजे के पैसे भी नहीं देंगे। तो आप स्वयं है, आप सब जानते हैं इतनी मौतें हुई जो अभी हैं अस्पतालों में, वो भी तड़फ रहे हैं। किसी की आँखें खराब होने का डर है, किसी की किडनी खराब होने का डर है, और उन्हें वहाँ इलाज भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो इन परिस्थितियों में हमारे पास जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रतिपक्ष में होने के नाते, ये हमारा दायित्व था कि हम सरकार पर दबाव बनाएं, लेकिन सरकार ने उस दबाव को स्वीकार नहीं किया। पैसा तत्काल देंगे ऐसा भी नहीं किया, उन घरों के चूल्हे जलेंगे या नहीं जलेंगे इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने बायकॉट भी किया और बैठ कर धरना भी दिया।